हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है साइंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। यदि हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो शेयर फिलहाल 12.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आज हमें इसके अंदर फिर से अप्रोक्सीमेट 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर जो है वो लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है और अब ये 12.65 रुपये तक भी आ गया है। यदि मैं बात करूँ इसके एक साल के रिटर्न की, तो आप देखोगे जो इसने 1 ईयर में रिटर्न दिया है वो 160% है, यानी कि जो रिटर्न के मामले में ये फिलहाल पॉजिटिव ही है। ये जो कंपनी है वो फिलहाल कंगाल होने के कगार पर है। ऐसे में इस कंपनी को कौन एक्वायर करेगा? इस कंपनी को एक्वायर करने के रेस में जो उतरे हैं वो 4 दिग्गज कंपनियां हैं। जी हाँ, उनमें से जो एक सबसे बेस्ट है वो मेरी भी जो सबसे बेस्ट है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक्वायर कर लेती है, जी मुकेश अंबानी जी की कंपनी इसको एक्वायर कर लेती है, तो हमें इसके अंदर यहाँ से बूम देखने को मिलेगा, जो आपको यह शेयर फिर 100 रुपये तक जाते देखने को भी मिल सकता है अगर इसको रिलायंस एक्वायर करता है। तब मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 758 करोड़ का है और जो आज इसके अंदर वॉल्यूम लगी है वो 1.3 मिलियन इसके अंदर आज NSE और BSE के अंदर वॉल्यूम लग चुकी है। अब बात आती है कि इसको हमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, लोअर सर्किट में कभी भी जो शेयर होते हैं वो सेल नहीं होते। जी हाँ, आप ये मन में से निकाल लो कि आप इसको सेल कर दोगे, क्योंकि लोअर सर्किट में कोई भी शेयर सेल नहीं होता। और रही बात बाय करने की, तो आप जब तक, जी हाँ जब तक इसका कोई निर्णय नहीं आ जाता कि इसको कौन एक्वायर कर रहा है, तब तक आप इसके अंदर कोई भी नई बाइंग मत करो। जी हाँ, अभी तक इसके अंदर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि साइंटेक्स को उस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, क्योंकि पीछे जो बिड हुई थी, जी हाँ पीछे जो बिड हुई थी उसमें 78% शेयर होल्डिंग पर मुकेश अंबानी जी ने बिड लगाया था, जो सेबी ने उसको मना कर दिया, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा था। ये जो बिड लगनी थी ये रिटेल इन्वेस्टर और प्रमोटर को ध्यान में रखते हुए लगवानी थी, और वो जो पहले जो बिड लगी थी वो कैंसिल हो गई है। अब इसके अंदर फ्रेश बिड लगनी है, तो उसके अभी तक कोई न्यूज़ आई नहीं है। जैसे भी उसकी कोई न्यूज़ या डेट अनाउंस होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई भी इसको एक्वायर नहीं कर पाता है, जी हाँ अगर कोई भी इसको एक्वायर नहीं कर पाता है, तो ये कंपनी जो है डिलिस्ट हो जाएगी, और जो मतलब जिनके भी जो ये शेयर इसके अंदर शेयर होल्डिंग है उनको कुछ ना कुछ तो सेबी देगी ही देगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ये कल को जीरो हो जाता है, जो मतलब कि इसके अंदर इन्वेस्टर हैं उनकी अमाउंट भी जो जीरो हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सेबी उनको जो कुछ ना कुछ तो मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल इसके डिलिस्ट होने के तो कोई चांस ही नहीं है। इसको जो मतलब कि एक्वायर करने की जो रेस में जो दौड़ रही हैं वो सबसे बड़ी मैं जिनको मानता हूँ वो रिलायंस इंडस्ट्री है, और जो सेकंड नंबर पे वो वेलस्पून वाले हैं। जी हाँ, अगर रिलायंस इंडस्ट्री के पक्ष में ये जाती है तो आपको इसके अंदर बूम देखने को मिल सकता है, तो आप इसके अंदर बने रहिएगा। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, जैसे भी कोई आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जितने भी नए कंटेंट लेकर आए, जितने भी नई वीडियोज लेकर आए, वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।